में कामयाब। नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। बात करते हैं भगवानपुर विधायक ममता राकेश की, जिन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल विकास कार्य वह करना चाहती थी, डबल इंजन की सरकार ने वह विकास कार्य नहीं करने दिए। उनके पति स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री का सपना था कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का, जो कि डबल इंजन की सरकार ने उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं होने दी। उनका कहना है कि अगर इस बार जनता उनका साथ देकर विधायक बनाती है तो वह अपने सारे रुके हुए विकास कार्य पूरे करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ नाम की सरकार है। जनता पार्टी की सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार ये कह रही थी, लेकिन डबल इंजन में प्रदेश की जनता परेशान हुई, त्रस्त हुई, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। डबल इंजन ने केवल धुआं छोड़ने का काम किया और धुएं से प्रदूषण फैला, प्रदूषण से महंगाई की और बेरोजगारी की बीमारियां आई। अब इन बीमारियों से निजात पाने के लिए प्रदेश की सम्मानित जनता ने मन बनाया है कि इन बीमारियों का इलाज कांग्रेस सरकार में हो सकता है। तो प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनानी है और प्रदेश में इसी तरह से विकास कार्य कराने हैं जैसे कांग्रेस। जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में देर रात से मौसम का जबरदस्त मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें कि नीति घाटी इस वक्त बर्फबारी की चपेट में है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों की बात करें तो सभी ग्रामीण इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बता दें कि सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। निचले इलाकों में भी बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। फिलहाल यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में किस प्रकार से मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। फिर बदला मौसम का मिजाज, निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिस कारण निचले इलाकों का जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ऊंची चोटियों में देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि नीति माणा घाटी इस वक्त बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, फूलों की घाटी, भविष्यवद्री, औली, तमाम पर्यटक स्थल से लेकर तीर्थ स्थल इस वक्त बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड का एहसास जारी है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह की एक खास रिपोर्ट। कल रात से बारिश थी और वो निचले इलाकों में सब जगह बर्फबारी काफी हो चुकी है। इधर अभी भी लगातार बर्फ गिर रही है, लगभग 1.5 इंच बर्फ गिर गई है। आज दिन भर बर्फ रहेगी तो कल तक काफी बर्फ गिर जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को इधर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कोरोना महामारी को ब्रेक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अब एडी चोटी का जोर लगा दिया है। आज से फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार देहात में अभी आधा दर्जन वैक्सीन सेंटरों पर बूस्टर डोज दी जा रही है। पुलिसकर्मी और हेल्थ वर्करों सबसे पहले बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके अलावा सेकेंड डोज लेने से वंचित लोगों के चिन्हितकरण कभी भी लगातार जारी है। बूस्टर डोज की प्रक्रिया किस तरह चल रही है, इसे लेकर विभाग के जिला और तहसील स्तर के अधिकारी द्वारा लगातार क्षेत्रों में घूमकर जायजा लिया जा रहा है और वैक्सीनेशन अभियान में जुटे अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां चुनावी सरगर्मियों के बीच हरिद्वार में बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। बसपा के धुरंधर माने जाने वाले निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य चौधरी बिजेंद्र सिंह और चौधरी रविंद्र सिंह ने बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में शामिल होने पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने दोनों नेताओं का पार्टी की ओर से स्वागत किया। चुनाव की पूरी तैयारी है हमारी और मैं पूरी कमर कस चुका हूं और आला कमान को देखना है कि वो कांग्रेस में कांग्रेस का टिकट किसको देते हैं
और मैं तो अपनी तरफ से पूरा अपना समर्थन मांगता हूं पार्टी से भी, और जिस तरह से लक्सर की विधानसभा का जो मुझे समर्थन मिल रहा है युवा साथियों बुजुर्गों को माताओं का, उससे मैं बहुत खुश हूं। और आगे मैं कांग्रेस आलाकमान से यही प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस का टिकट मुझे दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीट जो है मैं 100% निकाल के दूंगा कांग्रेस। अनूपपुर जिले में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए जिला दंडाधिकारी अनूपपुर सोनिया मीणा और पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के निर्देश में अनूपपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत समस्त थाना चौकी प्रभारी, समस्त बीट प्रभारी और FRV वाहनों के माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में प्रचार कर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। समस्त थाना क्षेत्रों में स्थानीय बस स्टैंड, तिराहा, चौराहा, ऑटो स्टैंड तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश दी जा रही है। मास्क का वितरण भी किया जा रहा है और COVID-19 के दुष्परिणामों से अवगत भी कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में किस तरह प्राइवेट स्कूल बच्चों के पालकों को लूट रहे हैं देखा जा सकता है। फीस नहीं लाने पर बच्चों को खुलेआम भीषण ठंड में घुटने टेकने को मजबूर किया जाता है। ऐसा एक मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरबाड़ा में स्थित प्राइवेट स्कूल नवदीप स्कूल का आया है, जहां पर एक टीचर किस तरह बच्चों को मार रहा है और बच्चों को घुटने टिका रहा है देखा जा सकता है कि ऐसा वीडियो आज हमारे सामने आया है। अभी भाई हमें पता चला है कि ऐसी ऐसी गतिविधि निर्मित हुई वहाँ, तो जाकर देखेंगे वास्तव में क्या सही क्या गलत है, उसके बाद ही अपन आगे की आगाम कार्रवाई करेंगे। अभी मेरे पास एक 4 तारीख में अभिभावकों के द्वारा एक लेटर आया हुआ है, जिसमें उन्होंने नवदीप के संबंध में शिकायत की गई है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है फीस के संबंध में। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक तीन सदस्यीय टीम का गठन कर दिया हूँ, जिसकी जाँच सोमवार को की जाएगी। जबलपुर विजयनगर स्थित कृषि उपज मंडी में बने हुए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मंडी गोदाम जबलपुर में किसानों के साथ अनियमितताएं हो रही हैं। वहीं खाद वितरण को लेकर सुबह 5 बजे से किसान लाइनों में भूखे प्यासे खड़े हैं। वहीं संपूर्ण भारत देश और संस्कार धानी जबलपुर में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ और मर्यादित मंडी जबलपुर द्वारा किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है और किसान झुंड में खड़े हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किसी भी कर्मचारियों के द्वारा किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ना ही अपने अधिकारियों द्वारा किसानों को लाइन में लगाने हेतु और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। हम लोग सारी व्यवस्थाएं बोल चुके हैं, किसानों को हम लोग एडवाइस दे चुके हैं कि आप लोग या फिर एक हाथ के अंतर पर खड़े हो जाइए या फिर आधार कार्ड सबमिट करके हम आपको नाम बाय नाम लेके बुलाएंगे, पर यहाँ पे किसान सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ खाद वितरण हो रहा है तो सर क्या है, हम बहुत देर से आया, कम से कम 6 बजे करीब के आया, 6 बजे से हम लोग लाइन में लगे थे और उन्होंने लिस्ट बना के और हम लोग लगाई के लगे रहेंगे, आपके लिस्टों से मिलेगी खाद। अच्छा, हाँ पहले क्या बोला आपसे, लाइन पे लाइन में लगो, तो हम लोग लाइन में लगे रहे, वो पता नहीं कैसा क्या करके और लिस्ट पहुंचा के अंदर करके हम लाइन में लगे रहे। मैं भूखा प्यासा 3 दिन होगा मेरे को डेली आ रहा, खाद नहीं मिल रही मेरे को, लाइन में लगो, कहीं लिस्ट अंदर चली जाती, कहीं 2 घंटे बाद मिलेगी, कहीं ये कहीं वो। अब बाथरूम के अगर कोई चला गया तो उसका नाम ही खत्म। ऐसा? हाँ, यहाँ पर मेरे को 3 दिन होगा सर डेली आ रहा हूँ मैं, डेली 3 दिन से परेशान, 3 दिन से। तो यहाँ पे कुछ जिनके तरफ से पानी यानी पीने की कुछ नहीं, मेरे मैं खुद पानी लेके आता हूँ, थैला में रखा अभी मेरा, जे रखी बाटल सर जी। अच्छा अच्छा। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक जानबूझकर की गई। ईश्वर की कृपा और प्रजाजन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पूर्णतः सुरक्षित हैं। कई कड़ी महत्वपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि यह पंजाब की कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही थी, जो कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व के इशारे पर की गई थी। इस प्रकार सुरक्षा में लापरवाही, कांग्रेस की दूषित मानसिकता की पूरी देश निंदा कर रहा है। इस घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला मंडला के द्वारा स्थानीय चिलमन चौक में मानव श्रृंखला बनाकर इस घटना का विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार की जो सुरक्षा की जवाबदारी थी, वह पूरे देश ने देखा है कि राज्य की कांग्रेस शासित सरकार ने वहाँ पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कैसी सुरक्षा की। हम देश के अंदर हो सकता है राजनीतिक में अलग अलग दल अपनी सरकार बनाने के लिए काम करते हैं,
लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई चीज़ देखी जाती है तो वह देश के लेवल पर देखी जाती है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, उनके हाथों में व्यवस्था है, वह उसको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो हम देश की क्या बात करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने गौरव यशस्वी हों, दीर्घायु हो, इन सब चीज़ को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर। थाना करण पठार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घाटा धोपगढ़ के ही ट्रैक्टर चालक अमर सिंह, जो महुआ की शराब में मस्त रहा, वही तेजी से चलाते हुए बस्ती अंदर ट्रैक्टर ले जा रहा था, तभी अपना होश खो बैठा और घर में सीधा जा घुसा और घर पर पूरी तरह से गिर गया। यदि कोई घर में रहता तो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, किंतु घर मालिक अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर रहकर मजदूरी कर जीवन यापन करता है, जिससे मौके पर घर में कोई मौजूद नहीं रहे और कोई जीवन की हानि नहीं पहुंची। देश भर में कोरोना वायरस दोबारा पैर पसारने लगा है। गंज बासोदा में भी कोरोना वायरस के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन नागरिक वायरस को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते बिना मास्क बाजार में घूमने वालों पर प्रशासन चालानी कार्रवाई कर रहा है। गंज बासोदा में प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई चलाकर बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले नागरिकों के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों को मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। नगर के जय स्तंभ चौराहे पर नायब तहसीलदार द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। बिना मास्क वाले नागरिकों का 100 रुपए का चालान काटा गया, साथ ही आगे से मास्क प्रयोग करने की हिदायत दी गई। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश में और देश में कोरोना काफी अधिक फैल रहा है, इसी सिलसिले में शासन के निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुरूप जो रोको टोको अभियान है वो अभी हमने चालू किया है और उसी अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। सर, लोगों को समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, समझाइश उनको साथ में दी जा रही है और चालान उसका काटा जा रहा है। चालान के साथ में उनको हमेशा याद भी रहेगा कि क्योंकि चालान कटा था इसलिए आगे वो गलती नहीं करेंगे। दो पक्षों में विवाद के बाद हुई मारपीट, युवक ने मां बेटी के साथ की हाथापाई, मां बेटी ने भी युवक पर बरसाई ईंट पत्थर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, दोनों पक्ष में किसी ने नहीं की थाने में शिकायत। सुभाष नगर थाना क्षेत्र जज साहब के हत्ते का बताया जा रहा है वीडियो। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के संभावित बसपा के उम्मीदवार हाजी अकील ने कल देर रात अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकाला, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वहीं दूसरी ओर वीडियो का संज्ञान लेते ही गाजियाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के कस्बा लोनी में बसपा पार्टी के संभावित प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना लोनी पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। थाना लोनी के कस्बा चौकी अंतर्गत एक मोहल्ले में एक बसपा के संभावित प्रत्याशी हाजी अकील के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। इस वीडियो में वो आदर्श आचार संहिता के साथ महामारी अधिनियम का भी खुलकर के उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 144 भी लागू है, तो धारा 144 के उल्लंघन, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके
उनके तथा उनके समर्थकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि काफी समय से अटकलें चल रही थी कि सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर किसका दामन थामेंगे। इस पर आज उन्होंने विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हरी झंडी के बाद सपा का दामन थाम लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर मैं पहले भी रहा हूँ और कांग्रेस के अंदर मुझे बेहद सम्मान मिला, कांग्रेस ने मुझे बेहद सम्मान दिया, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने मुझे बहुत काम करने का मौका दिया और मैं उनका एहसानमंद हूँ और जीवन भर ऋणी रहूँगा। और मैं बहुत कमज़ोर हूँगा अगर ये बात कहूँ कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस ने मुझे एक राजनीतिक मजबूत हैसियत देने का काम किया, लेकिन प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस कहीं फिट नहीं हो पा रही है। उन परिस्थितियों के अंदर लड़ाई के अंदर वोट का जो शेयरिंग है वो हमारा कांग्रेस का बहुत कम है और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विकास उन्मुख सरकार बने और वो सरकार बने जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर लेकर के जाए। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत ने आज पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने किसानों की समस्याओं के अलावा अधिग्रहण हुई जमीनों के आगे आ रहे घरों के लिए विकल्प तलाशने और विधानसभा क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत के दिशा निर्देश पर अधिकारियों ने मौके का दौरा भी किया। समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारी, पंचायत विभाग से हमारे बीडीओ महोदय और एचएसआईडीसी के कुछ अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ और उनके लिए कुछ, जैसे हमारे कुछ 5 गांव जो इनकी जमीन आईएमटी ने एक्वायर की थी उनके कुछ मकानों का मसला था, उस मसले पर कुछ रोड अधूरे पड़े हैं, उन मसलों पर कुछ नोटिस मकान तोड़ने के लिए या हटाने के लिए आए हैं तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, क्या हम सड़क शिफ्ट कर सकते हैं या मकानों को शिफ्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और उसको लेकर के अभी एचएसआईडीसी के बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। किसानों के कुछ मुद्दे थे उनको लेकर धरना दिया हुआ था, वो धरना भी 1 साल पहले हमने खत्म करा दिया लेकिन कोरोना की वजह से उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए, तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।